तो अभी अभी बाहर बारिश चल रहा था, अभी रुक गया। सो वेलकम गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग प्रीटी वेल। तो मेरा हालत देख सकते हो, सुबह के 8 बजे और मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया। सो आई नीड टाइम। चलो ओके, सो आई एम बैक। तो यार, ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था ये वीडियो बनाने का। सो जिन्होंने भी इस वीडियो को क्लिक किया है, थैंक यू फॉर क्लिकिंग। देख लो इस वीडियो को एक बार ध्यान से। डूड, रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर? हाँ, वही वाला रफ्तार वर्सेस एनीवे, वो मामला बहुत बहुत बड़ा था। बट देन द ऑडियंस लाइक अस, वी वर एंजॉयिंग इट बिकॉज वी वर गेटिंग न्यू सॉन्ग्स, सो कॉल्ड डिस ट्रैक्स। मजा आ रहा था क्योंकि नया गाना लॉन्च हो रहा था, ये इसके ऊपर, वो उसके ऊपर, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था, बहुत ही मजा आ रहा था। बट जो इस साल हुआ ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम डैम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो हु इज गौरव जोन, राइट? सो जिनको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो एक सो कॉल्ड ब्लॉगर है जिसे ब्लॉग से ज्यादा फ्लेक्स करने में मजा आता है, दैट इज गौरव जोन। और ही गॉट फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ही गॉट फ्रेंड्स जो कभी कभार उसको ही एक्सपोज कर देते हैं। मतलब यार, ये समझ जाओ कि वी द कॉन्टेंट क्रिएटर, कोई नहीं बट वी आर गेटिंग अ हेल लॉट ऑफ ट्रबल। समझाता हूँ कैसे। द थिंग इज ऑडियंस, और ऑडियंस की मेंटेलिटी ऐसे चेंज हो जाता है जिसका इफेक्ट किसी और पर नहीं, हम जैसे ब्लॉगर पर पड़ जाते हैं। आई नो मैनी ब्लॉगर्स, गुड कॉन्टेंट वाला ब्लॉगर्स, फॉर एग्जाम्पल कैप्टन इंडिया है, फुटप्रिंट है, और सैंडविच है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। बट ऐसा एक्सपोज वीडियो वाला सिचुएशन इन लोगों में से किसी ने भी नहीं किया, बिकॉज वी गाइस आर यूनाइटेड। यार, इस यूट्यूब कम्युनिटी में जो गंदगी फैला रखी है ना इन लोगों ने, उनका इफेक्ट सिर्फ हम पर पड़ रहा है। नया इन्फ्लुएंसर, छोटा इन्फ्लुएंसर, ऑडियंस का मेंटेलिटी चेंज हो रहा है यार। तो यार एक चीज बताओ, इन 2013-14 में भी द वर्ड ब्लॉगिंग वॉज नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया, बट वी हैड मुंबई का निखिल एंड मैनी वो ब्लॉग चैनल, दे वर डूइंग प्रीटी गुड। ये ऐसा एक्सपोज वाला सिचुएशन उस टाइम में नहीं था जो इस टाइम में है। लोग सिर्फ छोटा सा, इतना सा व्यू के लिए, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए अपना दोस्त को धोखा दे देते हैं। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ ब्लॉगिंग कम्युनिटी इन इंडिया। द थिंग विच आई वॉन्टेड टू से इज, मैं किसी का साइड नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे वो फेक गुची वाला भी पसंद नहीं और गौरव सोन भी पसंद नहीं। सो गाइस, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दिस सिचुएशन बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट लाइक दिस टॉपिक। जो हो रहा है होने दो। वी गाइस नो वी आर द स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स। अब देखो, मुझे ये भी पता है कि मैं अगर सिर्फ इस वीडियो में गौरव सोन की बुराई करूँ ना, तो मुझे ये भी पता है कि पब्लिक मुझे सपोर्ट करने वाली है और सब्सक्राइबर तो इंस्टेंटली बढ़ जाएंगे। बट दैट इज नॉट द थिंग विच आई वॉन्टेड टू डू। अब मेरा हालत ही देख लो, आई एम नॉट रेडी टू मेक अ वीडियो। नींद से उठा, कैमरा लगाया, सेट किया गोरिल्ला पॉट पर, चालू रिकॉर्डिंग। ये सिचुएशन ना एक ड्रामा बन गया यार। यूट्यूब में इसका रोस्ट करो, उसका रोस्ट करो, इसको एक्सपोज करो, ये करो, वो करो। यार, इससे सिर्फ व्यूज आएंगे, लोग सिर्फ व्यूज का भूखा बन गए हैं। इसका रिजल्ट सिर्फ हम पर पड़ रहा है बिकॉज वी आर द अपकमिंग व्लॉगर्स, वी गॉट लेस सब्सक्राइबर, हमें बढ़ना है, ओके? बट ऐसे ऑडियंस का मेंटेलिटी टोटली चेंज हो रहा है यार। ऐसा मत किया करो यार, एक्सपोज ही क्या लगा के बैठा है। एक काम करो, तुम जाके यूट्यूब सर्च में लिखो गौरव जोन, तुम्हें गौरव जोन से भी ज्यादा उसका एक्सपोज वीडियो मिलेगा। हर कोई बंदा एक्सपोज कर रहा है गौरव जोन को। ये क्या चल रहा है, क्या ये मामला? स्पेशली इट इज अफेक्टिंग अस, आई एम टेलिंग रिपीटेडली, इट्स अफेक्टिंग अस। सो आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा क्योंकि देयर इज नॉट मच एंटरटेनमेंट, कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं।
तो यार दिस इज अ हार्श रियलिटी व्हाट इज गोइंग ऑन. यही मुझे बताना था. आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू द सिचुएशन. कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, किसी का साइड नहीं लेने वाला. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ. मुझे अभी इस वीडियो का एंड करना है बिकॉज आई डोंट वांट टू get into controversial topic and stuff. अगर आप लोग मेरे opinion से satisfied है तो जरूर comment करना. मुझे देखना है कौन कौन satisfied है और कौन कौन नहीं, कौन कौन गौरव को support करता है और कौन कौन हम जैसे यूट्यूबर्स को support करता है. एंड अगर तुम लोग satisfied नहीं हो तो यार dislike कर सकते हो. एक बटन है डिसलाइक का, कर दो, मेरा कुछ नहीं जाता. देखो सबका एक यूनिक डिफरेंट ओपिनियन होता है, तो कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे लिखो. एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट एक्सपोज काइंड ऑफ टॉपिक. मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम द थिंग विच इज हैपनिंग. मैं खुद को इन सब बोरिंग बेकार चीज़ों से मैं अपने आप को बहुत दूर रखना चाहता हूँ. बट दिस इज इन अनादर लेवल. सो यही बताना चाहता था मैं इस वीडियो में. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. So thank you for watching. That is it for the video. I'm sorry subscribers, I couldn't entertain you in this video because the situation is pretty bad actually. और अगर आप गौरव सोन का सब्सक्राइबर हो, सपोर्टर हो, तो यार मुझे लिखो कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो कि नहीं. That is it. टाटा, पीस आउट. नहीं हुआ अबे यार, फिर से नहीं हुआ. टाटा, पीस आउट.